रोहतास के साथ साथ राज्य भर में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही है। आपराधिक वारदातों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस अपराधियों के सामने एकदम बौना दिख रही है। पिछले 15 दिनों के अंदर रोहतास जिले में अपराधियों ने 8 हत्या और कई लूट की घटनाओं को अंजाम दिया है। वहीं इन मामलों में पुलिस सिर्फ कार्रवाई करने की बात कहती रही है। वैसे तो रोहतास के पुलिस अधीक्षक कड़े अधिकारियों में गिने जाते हैं, लेकिन अपराधियों के आगे वो भी बेबस नजर आ रहे हैं। वहीं रोहतास जिले में बढ़ते अपराध पर जब मीडिया ने सासाराम के भाजपा सांसद छेदी पासवान से सवाल पूछा तो सांसद ने रोहतास पुलिस अधीक्षक को ही हटाने की मांग कर डाली। सांसद ने कहा कि अपराध की असली जड़ ये निठल्ला एसपी है, सबसे पहले गृह विभाग इस पर कार्रवाई सुनिश्चित करे। सांसद ने कहा, खुद कभी फील्ड में नहीं निकलता है, एक नंबर का निठल्ला है। देखिए, जो भी घटना घटी है दुर्भाग्यपूर्ण है, जो घटना घटी है दिन दहाड़े है, किसी आप व्यवसायी को हत्या कर देना ये अच्छी बात नहीं है। और जो एसपी के द्वारा जो कार्रवाई हुआ है, थाना प्रभारी को सस्पेंड किया गया है और फेरी लगाने वाले को सस्पेंड किया गया है, ये मतलब कि सक्षम नहीं है। इसमें कार्रवाई होना चाहिए एसपी के ऊपर। एसपी क्या करता है, हम समझते कितना निठल्ला और इतना निकम्मा एसपी आज तक ही रोहतास जिला में नहीं आया होगा। इस पर कार्रवाई होगी और हम जाके पटना गृह विभाग में लिखेंगे चिट्ठी, इसके ऊपर तत्काल कार्रवाई होगी।